मामूली डील नहीं है सूरज। इतने पैसे हाथ आ जाएंगे कि जिंदगी भर ना तुम्हें काम करने की जरूरत पड़ेगी ना ही गुनाह के रास्ते पर चलने की। इत्मीनान से घर बैठकर अय्याशी की जिंदगी बसर करोगे तुम। इस अय्याशी के लिए इत्मीनान से किसी की जान तो नहीं लेनी है ना डागा साहब? अरे आजकल इंसान की जान की इतनी कीमत कहां है बेटे। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जिसकी कीमत आज इंटरनेशनल मार्केट में पर किलो 1 करोड़ रुपए है। कहीं आप ड्रग्स और ब्राउन शुगर की बात तो नहीं कर रहे हैं? समझदार हो, हल्का सा इशारा समझ जाते हो। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये काम नहीं करूंगा। क्यों? शराब बेचते हो, जुए खाने चलाते हो, सोने चांदी की स्मगलिंग करते हो, ड्रग्स में क्या बुराई है? सोने चांदी की स्मगलिंग से किसी की जान को खतरा नहीं है डॉक्टर साहब। जुए और सट्टे से कोई मरता नहीं, शराब भी इतना नुकसान नहीं करती, लेकिन ड्रग्स डागा साहब पीढ़ियों के लिए जहर है। इससे आने वाली नस्ल तबाह हो जाएगी। भाई आने वाली नस्ल का हमने ठेका नहीं लिया है, अपना पेट भरो, दूसरे की भूख देख कर तड़पना अपना काम नहीं। पर मेरा काम है डागा साहब, मैं सौदा करता हूं लेकिन मौत का सौदागर नहीं। अगर मुझे मालूम पड़ा कि आप ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं तो मैं आपको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सांप का जहर तो उतारना नहीं जानता डागा साहब, लेकिन आदमी कितना भी जहरीला हो उसका सर पकड़कर कुचल देता हूं। सूरज, गुस्सा कमजोरों की निशानी है। यह तो सिर्फ एक प्रपोजल था जो हमें पसंद आ गया और हमने तुम्हारे सामने रख दिया। अब अगर ये तुम्हें पसंद नहीं तो हम तुम्हें वादा करते हैं इसमें हम भी हाथ नहीं लगाएंगे। मगर एक बात याद रहे, हमारी नजर में तुम्हारी अहमियत पैसों से कहीं ज्यादा है सूरज। अच्छा हम चलते हैं। सूरज बात क्या है दोस्त? कोई बात नहीं। नहीं कोई बात तो है जो तुम दागा सेठ के ऊपर इतना बबूला हुए। मैं मानता हूं कि ड्रग्स आने वाली नस्लों की बर्बादी की वजह है, लेकिन सूरज इस ड्रग डील से तुझे इतनी नफरत क्यों है? मेरी बर्बादी इस नफरत की वजह है बोलू, वरना मैं भी प्यार की राह पर चलने वाला एक मुसाफिर था जो हर प्रेमी की तरह अपने प्यार की राह पर चलता जा रहा था। बस वही एक वक्त था बोलू जब मैंने अपनी जिंदगी में खुशी देखी। सूरज ये किस अंधेरे में अपनी जिंदगी ले जा रहे हो? सूरज ये नशा वो जहर है कि एक बार इंसान मौत का दरवाजा तो देख लेता है पर वहां से लौटकर कभी नहीं आता। शिल्पा हमारा दोस्त जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। तुम नहीं जानती हमारी दोस्ती कितनी गहरी है। तुम कितने गहरे दोस्त हो ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। सूरज को इस बर्बादी के रास्ते पर तुम जैसे गंदी नाली के कीड़े ही ले गए, और आज के बाद अगर तुम तीनों सूरज के पास भी दिखाई दिए तो जूतों से मारूंगी तुम तीनों को। चलो नाली के कीड़ों, आज इस गंगा की धूली पर इतना रेंगो कि मजे के मारे दम निकल जाए। Oh, my God.
शिल्पा, शिल्पा मैं नशे में धुत पड़ा था और तुम्हें। सूरज छोड़ दो उस नशे की आदत को, जो मेरे साथ हुआ, अगर अगर कल जाकर तुम्हारी छोटी बहन भारती के साथ हो तो कौन करेगा इसकी रक्षा? छोड़ दो उस नशे को सूरज, छोड़ दो। मैं तुम्हारे प्यार की सौगंध खाता हूं कि आज और अभी से मेरा नशे से कोई वास्ता नहीं। सूरज मुझे एक वचन और दो कि तुम इन नशे के व्यापारियों के खिलाफ जंग लड़ोगे। जिस दिन तुम उन्हें जड़ से खत्म करोगे उस दिन मेरी आत्मा को वो फिर उसके बाद मैंने ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को मैंने कानून के कटहरे में खड़ा भी कर दिया, लेकिन रुपयों के दम पर कभी सबूत गायब हो जाते थे, कभी गवाहों के मुंह पर ताले लग जाते थे। मैंने उन लोगों के साथ दुश्मनी मोल ले ली और उन्होंने चाल चलकर मुझे जेल भेज दिया। तब से एक गुनहगार की मोहर अपनी पीठ पर लिए एक गुंडे की जिंदगी जी रहा हूं मैं। इसलिए मैंने भारती को इस गुनाहों के दलदल से बहुत दूर भेज दिया है। बस मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपनी भारती को इतना सुख दूं कि वो मुझे अपना बड़ा भाई कहने में फख्र महसूस करे। सूरज, ये क्या कर रहे हो तुम? जिस जहर से तुम जिंदगी भर नफरत करते रहे आज उससे खुदकुशी कर रहे हो, क्यों सूरज? भारती मुझे बोले बिना चली गई। मैंने उसे कहां कहां नहीं ढूंढा, कहां तलाश नहीं की। जिस बहन की खुशी मेरी जिंदगी का मकसद हो अगर वो बहन नहीं रही तो फिर मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा? भूलू